सड़क पर नमाज के दौरान पुलिसकर्मी की बदसलूकी पर भारी हंगामा हो गया। नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इंद्रलोक मेट्रो के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं और हंगामा करने लगे। काफी देर तक इंद्रलोक में इस तरह हंगामा होता रहा। तनाव बढ़ता देख पुलिस अधिकारी एक्शन में आ गए और आरोपी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में त्वरित एक्शन भी लिया गया है। नमाज के दौरान बदसलूकी से जुड़ा यह पूरा मामला। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अवनीश, इस मामले में एक्शन भी हुआ है और वो वीडियो वायरल होने के बाद ही कहा जा रहा था कि एक्शन होना चाहिए और अब एक्शन हुआ है। लेकिन दो अलग, अवनीश के पास हम जाएंगे, दो अलग अलग तस्वीरों को आप देखिए। पुलिसकर्मी की बदसलूकी के बाद वहां पर हंगामा हो गया और दूसरी तस्वीर में आप देखिए नाराज लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब यहां पर बदसलूकी के आरोपी चौकी इंचार्ज को लोगों ने घेर लिया था और दूसरी तस्वीर उस घटना के बाद की है जब लोगों ने इंद्रलोक मेट्रो के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और चौकी इंचार्ज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज मीणा ने कहा है कि फिलहाल लोगों को समझा लिया गया और हालात सामान्य है। वीडियो सामने आई थी जिसमें नमाज के दौरान एक वीडियो सामने आई थी, उस पर हमने एक्शन लिया है। जो पुलिस वाला दिख रहा था उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ लोकल जो यहाँ के निवासी हैं उनके साथ अपील करके सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और अब मैक्सिमम लोग जा चुके हैं एंड हम लोकल निवासियों से के थ्रू अपील कर रहे हैं सबको कि शांति बनाए रखें। और अभी काफ़ी सारे लोग यहां जो इकट्ठे हुए थे सारे जा चुके हैं और सिचुएशन अब नॉर्मलाइज हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, इस पूरे मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया है और अभी हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए, अब स्थिति सामान्य है। पुलिस ने जो वहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ था उसको खुलवा दिया है और लोगों को ये बताया गया है कि जो पुलिसकर्मी हैं जिन पे ये खराब बर्ताव का आरोप है उनको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। पुलिस के इस आश्वासन के बाद और पुलिस की कोशिशों के बाद जो ट्रैफिक जाम हुआ था वो खुलवा दिया गया है, स्थिति सामान्य है। और ये सारा हंगामा तब हुआ जब ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के अंदर पुलिसकर्मी का खराब बर्ताव दिखाई दिया जिसके बाद लोग वहाँ पर जमा हो गए, उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया, नारेबाजी की और पुलिस ने वहाँ पर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इस मामले में जल्द जो भी आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ जाँच की जाएगी और पुलिस ने फौरन जाँच के बाद जो चौकी प्रभारी हैं इंद्रलोक चौकी के उनके खिलाफ एक्शन लिया है, उनको सस्पेंड कर दिया है, विभागीय जाँच की जा रही है। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सस्पेंशन क्या एक ही हुआ है क्योंकि कई सारे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, तो क्या सस्पेंशन एक हुआ है या इसमें दो तीन लोग सस्पेंड हुए हैं, क्या और जानकारी है? देखिए, अभी जो फौरन जो कार्रवाई की गई है वो चौकी इंचार्ज के खिलाफ की गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है, हमारी जो एरिया डीसीपी है उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है, तत्काल फौरन जो कदम उठाया गया उसमें जिम्मेदारी बनती थी चौकी इंचार्ज की, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो की जांच की जा रही है, वहां मौजूद लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। जब शुरुआती जांच पूरी होगी उसके बाद इसमें पुलिस का एक्शन आगे और देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। सड़क पर नमाज के दौरान पुलिसकर्मी की बदसलूकी पर भारी हंगामा हो गया। नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इंद्रलोक मेट्रो के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं और हंगामा करने लगे। काफी देर तक इंद्रलोक में इस तरह हंगामा होता रहा। तनाव बढ़ता देख पुलिस अधिकारी एक्शन में आ गए और आरोपी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में त्वरित एक्शन भी लिया गया है। नमाज के दौरान बदसलूकी से जुड़ा यह पूरा मामला। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अवनीश, इस मामले में एक्शन भी हुआ है और वो वीडियो वायरल होने के बाद ही कहा जा रहा था कि एक्शन होना चाहिए और अब एक्शन हुआ है। लेकिन दो अलग, अवनीश के पास हम जाएंगे, दो अलग अलग तस्वीरों को आप देखिए। पुलिसकर्मी की बदसलूकी के बाद वहां पर हंगामा हो गया और दूसरी तस्वीर में आप देखिए नाराज लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब यहां पर बदसलूकी के आरोपी चौकी इंचार्ज को लोगों ने घेर लिया था और दूसरी तस्वीर उस घटना के बाद की है जब लोगों ने इंद्रलोक मेट्रो के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और चौकी इंचार्ज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज मीणा ने कहा है कि फिलहाल लोगों को
समझा लिया गया और हालात सामान्य हैं। वीडियो सामने आई थी जिसमें नमाज के दौरान एक वीडियो सामने आई थी, उस पर हमने एक्शन लिया है। जो पुलिस वाला दिख रहा था उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ लोकल जो यहाँ के निवासी हैं उनके साथ अपील करके सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और अब मैक्सिमम लोग जा चुके हैं एंड हम लोकल निवासियों से के थ्रू अपील कर रहे हैं सबको कि शांति बनाए रखें। और अभी काफ़ी सारे लोग यहां जो इकट्ठे हुए थे सारे जा चुके हैं और सिचुएशन अब नॉर्मलाइज हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, इस पूरे मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया है और अभी हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए, अब स्थिति सामान्य है। पुलिस ने जो वहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ था उसको खुलवा दिया है और लोगों को ये बताया गया है कि जो पुलिसकर्मी हैं जिन पे ये खराब बर्ताव का आरोप है उनको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। पुलिस के इस आश्वासन के बाद और पुलिस की कोशिशों के बाद जो ट्रैफिक जाम हुआ था वो खुलवा दिया गया है, स्थिति सामान्य है। और ये सारा हंगामा तब हुआ जब ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के अंदर पुलिसकर्मी का खराब बर्ताव दिखाई दिया जिसके बाद लोग वहाँ पर जमा हो गए, उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया, नारेबाजी की और पुलिस ने वहाँ पर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इस मामले में जल्द जो भी आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ जाँच की जाएगी। और पुलिस ने फौरन जाँच के बाद जो चौकी प्रभारी हैं इंद्रलोक चौकी के उनके खिलाफ एक्शन लिया है, उनको सस्पेंड कर दिया है, विभागीय जाँच की जा रही है। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सस्पेंशन क्या एक ही हुआ है क्योंकि कई सारे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, तो क्या सस्पेंशन एक हुआ है या इसमें दो तीन लोग सस्पेंड हुए हैं, क्या और जानकारी है? देखिए, अभी जो फौरन जो कार्रवाई की गई है वो चौकी इंचार्ज के खिलाफ की गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है, हमारी जो एरिया डीसीपी है उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है, तत्काल फौरन जो कदम उठाया गया उसमें जिम्मेदारी बनती थी चौकी इंचार्ज की, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो की जांच की जा रही है, वहां मौजूद लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। जब शुरुआती जांच पूरी होगी उसके बाद इसमें पुलिस का एक्शन आगे और देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। सड़क पर नमाज के दौरान पुलिसकर्मी की बदसलूकी पर भारी हंगामा हो गया। नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इंद्रलोक मेट्रो के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं और हंगामा करने लगे। काफी देर तक इंद्रलोक में इस तरह हंगामा होता रहा। तनाव बढ़ता देख पुलिस अधिकारी एक्शन में आ गए और आरोपी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में त्वरित एक्शन भी लिया गया है। नमाज के दौरान बदसलूकी से जुड़ा यह पूरा मामला। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अवनीश, इस मामले में एक्शन भी हुआ है और वो वीडियो वायरल होने के बाद ही ये कहा जा रहा था कि एक्शन होना चाहिए और अब एक्शन हुआ है। लेकिन दो अलग अवनीश के पास हम जाएंगे, दो अलग अलग तस्वीरों को आप देखिए। पुलिसकर्मी की बदसलूकी के बाद वहां पर हंगामा हो गया और दूसरी तस्वीर में आप देखिए नाराज लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब यहां पर बदसलूकी के आरोपी चौकी इंचार्ज को लोगों ने घेर लिया था और दूसरी तस्वीर उस घटना के बाद की है जब लोगों ने इंद्रलोक मेट्रो के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और चौकी इंचार्ज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज मीणा ने कहा है कि फिलहाल लोगों को समझा लिया गया और हालात सामान्य हैं। वीडियो सामने आई थी जिसमें नमाज के दौरान एक वीडियो सामने आई थी, उस पर हमने एक्शन लिया है। जो पुलिस वाला दिख रहा था उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ लोकल जो यहाँ के निवासी हैं उनके साथ अपील करके सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और अब मैक्सिमम लोग जा चुके हैं एंड हम लोकल निवासियों से के थ्रू अपील कर रहे हैं सबको कि शांति बनाए रखें। और अभी काफ़ी सारे लोग यहां जो इकट्ठे हुए थे सारे जा चुके हैं और सिचुएशन अब नॉर्मलाइज हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, इस पूरे मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया है और अभी हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए, अब स्थिति सामान्य है। पुलिस ने जो वहां पर ट्रैफिक जाम हुआ था उसको खुलवा दिया है और लोगों को ये बताया गया है कि जो पुलिसकर्मी हैं जिन पे ये खराब बर्ताव का आरोप है उनको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है।
पुलिस के इस आश्वासन के बाद और पुलिस की कोशिशों के बाद जो ट्रैफिक जाम हुआ था वो खुलवा दिया गया है, स्थिति सामान्य है। और ये सारा हंगामा तब हुआ जब ये वीडियो वायरल हुआ, वीडियो के अंदर पुलिसकर्मी का खराब बर्ताव दिखाई दिया, जिसके बाद लोग वहाँ पर जमा हो गए, उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया, नारेबाजी की और पुलिस ने वहाँ पर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इस मामले में जल्द जो भी आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ जाँच की जाएगी। और पुलिस ने फौरन जाँच के बाद जो चौकी प्रभारी हैं इंद्रलोक चौकी के, उनके खिलाफ एक्शन लिया है, उनको सस्पेंड कर दिया है, विभागीय जाँच की जा रही है। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सस्पेंशन क्या एक ही हुआ है, क्योंकि कई सारे पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या सस्पेंशन एक हुआ है या इसमें दो तीन लोग सस्पेंड हुए हैं, क्या और जानकारी है? देखिए, अभी जो फौरन जो कार्रवाई की गई है वो चौकी इंचार्ज के खिलाफ की गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है, हमारी जो एरिया डीसीपी है उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है, तत्काल फौरन जो कदम उठाया गया उसमें जिम्मेदारी बनती थी चौकी इंचार्ज की, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो की जांच की जा रही है, वहां मौजूद लोगों के बयान लिए जा रहे हैं, जब शुरुआती जांच पूरी होगी उसके बाद इसमें पुलिस का एक्शन आगे और देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। दिल्ली में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर हंगामा क्यों बरपा, इसका पता लगाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास शहजादा बाग कॉलोनी है, वहां के लोगों से बात करने आए हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार घटनाक्रम संक्षिप्त में बता देते हैं कि दोपहर का समय था, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास जुम्मे की नमाज चल रही थी, उसी दौरान एक पुलिस उनको रोकती है कि आप रोड पर नमाज ना अदा करें। और उसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पुलिसकर्मी आपत्तिजनक बर्ताव, खराब बर्ताव करते हुए नज़र आते हैं, और जिसके बाद वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है, बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हो जाते हैं, हंगामे की तस्वीर बनती है, सड़क जाम हो जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि जिसने गलत किया है उसके खिलाफ एक्शन होगा, और पुलिस जो यहाँ इंद्रलोक चौकी इंचार्ज हैं उनको सस्पेंड किया जाता है तत्काल प्रभाव से और मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। लोग क्यों भड़के, क्या हुआ था, इसके लिए हम बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इलाके के लोग हैं जो उस समय जुमे की नमाज में शामिल थे, पूरा घटनाक्रम इनके सामने घटा था, क्या रियलिटी थी, ये ग्राउंड जीरो पे हम आए हैं ताकि लोगों से बात करें, उनका जो पक्ष है वो जाने, जो पुलिस का एक्शन है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो पता करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू अंसारी है। आप यहीं मेट्रो स्टेशन के आसपास आपका बिजनेस? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं रहता हूँ मैं, यहीं मेरी दुकान भी है। तो गुड्डू, क्या हुआ था जो पूरा एक बार घटनाक्रम? ये फ्राइडे को हमारी नमाज में कुछ ज़्यादा भीड़ होती है और इसी वजह से हम इसको तीन तीन नमाजें कराते हैं ताकि रोड पे भीड़ ना आए। पहले एक होती थी, दोनों रोड जाम होया करते थे, बंद होते थे ब्लॉक, अब तीन नमाजें होती हैं इसलिए कि भाई रोड बंद नहीं होने चाहिए। तीन हिस्सों में नमाज होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ज़्यादा लोग एक साथ जमा ना हो। मगर कुछ लोग किनारे पर पढ़ रहे थे तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, हर बार ऐसा होता है, चौकी इंचार्ज साहब आए, लोगों को धक्का दिया, नियत बांधे हुए लोगों को लाते मारी, थप्पड़ मारे, उनको फेंकने लगे। सिर्फ मात्र चार मिनट लगते नमाज में, मात्र चार मिनट, वो चार मिनट बाद समझा भी सकते थे, मुकदमा दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर इस तरह का बिहेव पसंद नहीं आया किसी को भी, तो लोग खिलाफ हो गए। बाकी अफसर आए, उनको सस्पेंड किया, इसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं और हम खुश हैं उनके सस्पेंड होने से। बाकी जो आज घटना हुई, भविष्य में कभी ना हो, किसी भी धर्म के साथ ना हो। देखो, कांवड़ यात्रा भी निकलती हैं, दुनिया जमाने के काम होते हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं, उनकी कांवड़ यात्रा को भी सफल बनाते हैं, वहाँ पे खड़े होकर हम जो हमारे बस का होता है वो करते हैं और वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। सब भाई थे हमारे साथ, हिंदू मुस्लिम सब एक मंच पे थे आज, क्योंकि सबको ये घटना पसंद नहीं आई। अब क्या सिचुएशन है? पुलिस तो हम देख रहे हैं वहाँ पर तैनात है, लेकिन अभी लोगों में जाहिर है रोष तो होगा, लेकिन कहीं इस तरह का माहौल कैसा है यहाँ का, चीज़ें कंट्रोल हैं? बिल्कुल कंट्रोल हैं, उनके सस्पेंड होने से लोग शांत हो गए हैं और पुलिस ने यकीन दिलाया जो और कोई भी इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी और बेफिक्र रहें, आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। एक सवाल बनता है, देखो जुमे की नमाज तो हर सप्ताह होती है और आप बता रहे बहुत पहले से होती आई है, थोड़ा सा चेंज हुआ है कि सड़क जाम ना हो तो तीन शिफ्टों में या तीन तरह से नमाज कराई जा रही है तीन हिस्सों में, अब क्या चौकी इंचार्ज भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज पहली बार पुलिस थी, तो
तो एकाएक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को लोगों को धकेलना पड़ा, मिसबिहेव हो गया, तो क्योंकि एक चौकी इंचार्ज पुराने मौजूद जो अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, तो ये सिचुएशन कैसे बनी? क्या सड़क में नमाज पढ़ने की परमिशन थी? तो परमिशन क्या, मैं बचपन से सराय खरी लुटने के बाद हम इंदर लोग आए, जब से ही हम सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा भेदभाव नहीं था किसी भी तरह का। आज अचानक क्या हुआ ये तो ऊपर वाला जाने, उनके दिमाग में क्या चल रहा था या ऊपर से क्या आदेश थे, इलेक्शन करीब हैं, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा भाई ये तो वो, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह जाने। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, मौजूद शख्स हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मोहम्मद हारून जी, आपका क्या काम है, आप आसपास ही रहते हैं? जी हाँ, मेरा एक डाइयों की वर्कशॉप है। और दिन में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो आप मौजूद थे वहाँ? जी हाँ, मैं वहाँ पर मौजूद था। क्या देखा, क्या रहा और जो कुछ हुआ उस पर आपके किए? हमारे गुड्डू भाई ने, गुड्डू अंसारी साहब ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया उन्होंने, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन एक अधिकारी जो जिम्मेदार आदमी है वहाँ का, अगर वही ये इस तरीके से बिहेव करेगा तो बाकी लोगों पे क्या असर पड़ेगा किसी भी धर्म के मामले में? और जो चौकी इंचार्ज हैं वो एरिया की जो नेतृत्व है उनके पास होता है, तो एक ये क्या अभी आए हैं यहाँ पर एरिया में, या इनको नहीं पता था, या जो झड़प हुई वो किस वजह से हो गई जो पुलिस को धक्का देना पड़ा और जो वीडियो में? नहीं, झड़प तो कुछ नहीं है, सड़क पे मुश्किल से 50 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, बाकी सब अंदर ही थे बाउंड्री के, सड़क के किनारे थे, ट्रैफिक बराबर चल रहा था, ट्रैफिक में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर पता नहीं आला अधिकारी उनको क्या परेशानी हुई, दिमाग में क्या परेशानी हुई, तो उन्होंने धक्का भी दिया, लाते मारिए, थप्पड़ मारा है, उस तरीके से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। और जब आक्रोश पैदा होगा तो वो किसी भी रुख में जाएगा, तो लोगों ने फिर समझाया, समझबूझी करके फिर आला अधिकारी आए हैं, उनका उनको सस्पेंड करा गया है, बाकी उससे हम खुश हैं। पुलिस कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय जांच भी की जा रही है, क्या इसमें और भी पुलिसकर्मी शामिल हैं? क्योंकि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के जो आला अधिकारी आए उन्होंने कहा जो भी इसमें कोई शामिल हम अपनी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ जो भी हमसे हो सकता है वो करेंगे। तो आप संतुष्ट हैं पुलिस? हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। ये शहजादा बाग कॉलोनी है, घटनास्थल के बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादातर लोगों के यहाँ बिजनेस है, और जो लोगों की प्रतिक्रिया है कि जो पुलिस का एक्शन हुआ है, जो चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है, उससे संतोष है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की घटना फिर दोबारा ना घटे। क्या रहा था आज, क्या घटना का? सर ऐसा है कि एक्चुअली हमेशा यहाँ नमाज होती है, आज करीब मैं यहाँ पे 20 से देख रहा हूँ, यहाँ नमाज हमेशा होती, कोई किसी को दिक्कत नहीं, कोई किसी को परेशानी नहीं, आज तक कोई ऐसे ऑफिसर कोई परेशानी दिए नहीं। लेकिन आज का जो माहौल था, लोगों ने नमाज़ पढ़ रहे थे, सर्दे में भी थे, खड़े भी थे, बाकायदा वीडियो वायरल हुआ है, देख सकते हैं आप, उन्होंने लाश से भी मारा, हाथ से भी मारा, यानी जो उनसे हो सका वो मारा। क्या हो गया था ऐसा? कोई मामला समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया गया। उसके बाद में फिर अपना आए साहब लोग, आए अब जो भी किए अपना, फिर बोले मैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सोचना मिली है ये कि जनता मांग ये कर रही थी कि हमेशा के लिए उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन हमेशा के लिए हुआ नहीं है, 3 के लिए हुए हैं। लेकिन अभी भी इस बात को दुख है हमें कि कभी ऐसा हुआ नहीं, कल का फिर दोबारा हो ऐसा नहीं ना करे। धन्यवाद। अब्दुलरहमान रहमान, दिन में जो घटनाक्रम हुआ उस पर आपका क्या रिएक्शन है, और जो पुलिस एक्शन हुआ उस पर क्या कहेंगे? पुलिस एक्शन जो हुआ है, देखो जी हालात को देखते हुए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, और जो रिएक्शन वाला मामला है पुलिस की थोड़ी सी जो पुलिस को लगा उस वक्त पुलिस वालों ने ऐसा करा, बाकी इसके अंदर कोई वो नहीं है। पुलिस वालों ने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्या हालात बने थे? ऐसे कोई हालात नहीं बने थे कि बस थोड़ी सी आज त्योहार भी है उसको लेके कि शायद पुलिस वालों ने इस तरीके वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस भी अपनी जगह ठीक है, और बाकी का मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा ना हालात आज तक बने, लेकिन आज ऐसा कुछ बाहरी लोगों ने मामले को बिगाड़ने की कोशिश करी है, और इसके अंदर कोई वो नहीं है। अच्छा, बाहरी लोग शामिल हुए थे जिन्होंने हंगामा करने की कोशिश की? बाहरी लोग जो भी थे वो सारे रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएंगे, और जैसे भी थे जिस तरीके से हालात बिगाड़ने की कोशिश करी है, एक इंदर लोग के अंदर भाईचारा बना हुआ है, और आज तक बहुत टाइम से बना रहा ही है, और जो लोगों ने हालात को बिगाड़ने की कोशिश करी है उस तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस भी अपनी जगह ठीक है, और पब्लिक जो थी
थोड़ा गर्मा गर्मी के अंदर ये आप ये कह रहे हैं कि लोगों को गुस्सा आया था लेकिन कुछ बाहरी लोग आए, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की भी कोशिश की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट करा है। स्थानीय लोगों ने बिल्कुल कोऑपरेट करा है और पुलिस ने भी बिल्कुल कोऑपरेट करा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब सिचुएशन शांत है, आगे दोबारा नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो भाईचारा बना हुआ है और कभी ऐसा हुआ ही नहीं है आज तलक इन लोग के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।